तापसी की एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है द वेडिंग फैक्ट्री. जब आप अपनी शादी करेंगी तो आपकी कंपनी ढूंढेगी कि आप अपनी मर्जी से ढूंढेंगी कुछ? देखो ये फायदा ये होता है वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने का कि तुम्हें पता होता है ये सारा खर्चा है ना ये फालतू का है. तुम्हारे क्लाइंट सुन रहे होंगे इस समय. मेरी बहन मुझे मार डालेगी क्योंकि वो चलाती है कंपनी. बट मैं सच्ची बता दूं तो मैं एक छोटी सी प्यारी सी शादी करूंगी जिसमें मतलब लिमिटेड गेस्ट होगी. प्लेटों का खर्चा बहुत आता है नहीं तो. मेरे को रचना जी बुलाना, मैं एक ही प्लेट में खा लेंगे. खर्चा बचाएंगे तुम्हारा. रिफिल उसको 150 बार करना पड़ेगा, अलग बात है. पर हम मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि शादी जो होती है आपको क्या लगता है, अपनी मर्जी से करनी चाहिए कि दूसरों की सलाह से करनी चाहिए? जी मैडम. मेरा नाम अंजलि मोहन है. अंजलि, नाम तो सुना सुना है. सर मुझे लगता है कि मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहिए. अच्छा. सर क्योंकि फ्यूचर में अगर लड़का खराब भी निकले तो हम बोल सकते हैं मम्मी पापा आपने करवाई है. स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. लेकिन प्रोडक्ट तो खराब निकल आया ना अब. सर आजकल लड़के बहुत खराब निकलते हैं सर. सर अब देखो आपको ही, आप शादी के पहले भी फ्लर्ट करते थे और अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो. मैंने किया फ्लर्ट, आधा घंटा हो गया. I don't know. Yeah. मैं आजकल चंद्रो दादी बनी हुई हूँ, so I don't get any vibes. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका शो में आने के लिए. So sweet. और कोई हमारे दोस्त? अच्छा मैडम कहना चाहती है. नमस्कार जी. कपिल जी मैं कहना चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए क्योंकि हमको ही अपनी लाइफ निकालनी है पूरी. राइट. मेरी शादी को 35 साल हो गए. वाओ. हाँ तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की. मेरे पास 4-5 ऑफर थे. सो स्वीट. ये अच्छा है. फिर मैं पीएचडी थे, डॉक्टरेट किया होता तो मैंने उनको ही चुना. तो मेरे रिलेटिव्स और भी थे, उन्होंने और भी मेरे को बताया कि ये लड़का भी अच्छा है, ये भी है. तो मैंने नहीं, मैंने कहा मुझे इन्हीं से शादी करनी है. वो आए हैं साथ में भाई? आए हैं, वो बैठे साथ. अच्छा अच्छा. नमस्कार जी, मुबारक हो, आप जीत गए. तो सर ने पीएचडी की हुई है? पीएचडी की हुई है. इतना पढ़ लिख के भी फंस गए आप. उन्होंने भी अपनी मर्जी दिखाई है तभी मेरी शादी हुई ना. हाँ एक्चुअली जिंदगी आपने काटनी है, पर हाँ माँ बाप भी आपका अच्छा ही चाहते हैं. अभी जो मेरी शादी 35 साल हो गए तो मेरे को तो हीरा मिल गया मेरी पसंद से. ब्लू डायमंड. मैं हीरा जी से बात करना चाहूंगा. हीरा जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर नमस्कार. कपिल जी मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत जैन. डॉक्टर साहब नमस्कार जी. और मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ. अरे तो डॉक्टर साहब आपने कोई खोज की है वैसे? जी हाँ मैंने खोज की है. मैंने एक्चुअली मछली के खाने की और मछली को ब्रीड कराने के ऊपर मैंने रिसर्च की है. अच्छा जी. और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ, जो मछुआरे हैं, जो फिशरीज बिजनेस में हैं. वाओ बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके. नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए. एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ती आपका. सो स्वीट, थैंक यू मैम. आपकी चॉइस हर बार ही अच्छी निकलती, देख लो. पहले भी हीरा चुना आपने, दूसरा फिर येलो डायमंड. जी और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना? यस जी. हेलो सर. हेलो. मेरा नाम गायत्री माली. कहाँ से आए हो गायत्री आप? सर मैं मुंबई. अच्छा जी. okay. क्या कहना चाहेंगे गायत्री आप? सर मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए सर. अच्छा. बिकॉज मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राजस्थानी. अच्छा. के पाली साइड से. अच्छा जी. तो वहाँ पे ना ऐसा मतलब होता है कि साटा बाटा भी होता है. हाँ जी. आई मीन साटा बाटा जिसकी एंगेजमेंट नहीं होती है, मतलब लड़की दो लड़की लो, यू नो, हाटा बाटा. अच्छा ऐसा भी होता है? या होता है. आपकी फैमिली से कोई लड़की जाए और जिनकी फैमिली में जाए उनकी लड़की वापस आ जाए? हाँ यस. अच्छा. एंड अगर मेरा हस्बैंड के साथ नहीं जमा तो मेरा भाई भाभी का जो जम रहा है उनको भी तोड़ना पड़ता है सर. ये चीज नहीं मुझे पता थी. नो ये होती है सर, अभी भी गाँव गाँव में होती है सर. बट सर मैं चाहती हूँ कि ये साटा सिस्टम बंद होना चाहिए सर. तो मैं चाहती हूँ कि शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए. लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट रिलेटिव्स प्रेशराइज करते रहते हैं. अच्छी बात है ना, पेरेंट्स आपकी साइड में होने चाहिए. yeah. और so, दुनिया का क्या लेना देना. टच वुड, मेरे पेरेंट्स बहुत. गॉड ब्लेस यू. ओके सर, थैंक यू. सर मेरी सिस्टर आई है, वो आपकी फैन है सर. वो उनके न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के आई है आपको. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
किसके पास बेबी छोड़ के आई है? मेरी मॉम सर। नानिया देख लो यार, मेरे को प्यार हो जाता है। माए पहले तो अपने बच्चे पालो, फिर उनके भी बच्चे पालो। मम्मियों के लिए और नानियों के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मुद्दे पे? जी सर, एक्सपीरियंस बोलेगा अभी। जी सर। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार भूमि जी। नमस्कार। तो आपने अपनी मर्जी से की थी सर के? हमारी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये लड़की अच्छी है। अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छी है तो फिर सेटिंग करवा दो। फिर सेटिंग हो गई और 40 साल से हम लोग साथ में रहे हैं। वाह, सेटिंग पाए में लग रही है मुझे। सेटिंग सेटिंग आए लाए साथ, सेटिंग आई है आपके साथ में, सेटिंग साइड में। सेटिंग को बिना लिए कहीं नहीं जाता हूं। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सेटलमेंट कितनी है टोटल? बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। तापसी और भूमि के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त उन्हें यहाँ बुलाने का है जिनके ऊपर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है, बागपत की फेमस शार्प शूटर देवरानी जेठानी की जोड़ी। प्लीज वेलकम प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर। काशी जी और चंद्रो जी के लिए जोरदार तालियां। दादी आशीर्वाद दे दो सबको यहाँ क्यूटली। बेटे सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू दादी, सबको आशीर्वाद है बेटे। आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के, थैंक यू सो मच। बेटे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम कपिल के पास आए, इसके शो में आए, हमें बहुत खुशी मिली। देखते हैं हमारा शो? हमें भी तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, और देखें जी भी तो आए भाग के। बहुत अच्छा लग रहा है, आइए प्लीज। आओ दादी बैठो। आइए दादी, चलो। आज इतना अच्छा लग रहा है ना, ये फ्रेम देख के, ये सोफा पे दो हमारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये ब्यूटीफुल किरदार निभाए हैं, और दो वो हमारी दादियां जिन्होंने गांव के माहौल में रह के पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया होगा और इतनी शार्प शूटर बनी। क्या बात है, अगर अगर दुनिया में कोई भी कहीं पर भी बैठ के विमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो उनको हिंदुस्तान लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारी दादियां। क्या बात है दादी, आपसे बात पूछनी थी। आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई है साथ में? नहीं बेटे, बंदूक तू ले आकर दे, चला कर दिखा देंगे। आपको मैं बता दूं कि चंद्रो जी जो हैं, इनके 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं, गॉड ब्लेस यू। और प्रकाशी जी के 8 बच्चे और 20 पोते पोतियां हैं। दादी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, कितना मुश्किल था आपके लिए शार्प शूटर बनना? बिकॉज पहले पहले तो गांव वालों ने, परिवार वालों ने बड़ा रोका होगा कि नहीं नहीं हमारे बहुएं या हमारी बेटियां कैसे करेंगी ये सब। अरे बेटे, गांव वालों ने तो पहले पहले मजाक उड़ाई, ये बुढ़िया जाऊंगी कारगिल में, ये चला मैं बंदूक, लेकिन किसी की सुनी नहीं हमने। अच्छा जी। बेटा हमारी मजाक उड़ाई, बड़े आदमी रोका ही करे थे पहले। अच्छा जी। फिर हम फिर भी कान बहरे करके लगे रहे, लगे रहे। अच्छा जी। धाकड़ रहे, डरे नहीं, बंदूक चलाई खूब। तो दादी जो लोग मजाक उड़ाते थे, जब आपको मेडल मिले फिर उनको मेडल दिखाए कि फिर आपने बंदूक दिखाई थी उनको? मेडल। एक साल खेल के मैं, और एक मेरी कटागिरी में बुलाया था धीरज सिंह DIG। अच्छा, बहुत पुराना शूटर। अच्छा जी। और मैं एक साल की खेल ली हुई। अच्छा जी। 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी, मैं गोल्ड मेडल ले लिया, उसका सेकंड का हो गया। क्या बात है यार। तो लोगों के मुंह बंद हो गए, अपने आप बंद होने चाहिए एक्चुअली। लोग नु कह लगे दादी को दुनिया जानेगी अपनी, और तू कह लगे तो मैं घर में कौन जाने।
अच्छा दादी, ऐसे लोग होते हैं बड़े शर्मिंदा हैं, मतलब उनको अगर बता दो ना कि अब बताओ मेडल जीत गए, फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते, हमें तो पता ही था। फिर ऐसे भी करते हैं लोग, इन तो खुद ही शर्मिंदा हो गए, पिक्चर बन गई। ये बात मुझे पता ना क्यों आप दोनों को देख लग रहा है, मैं अपनी मम्मी के हाथ में बंदूक दे दूं। हैं? तू बच के घूमी हो। हाँ, actually. वो साफ शूटर बना देंगे उसे भी हम। हाय हाय। हाय हाय, क्या बात है। तो दादी किस उम्र में आपने शूटिंग शुरू की थी? बेटा जिसमें दुनिया खाट पर बैठ जा। हाँ। 65 साल की ने। वाह। 87 उम्र। आपकी 87 उम्र अभी। अभी। क्या बात है यार। हमारा दुरानी जिठानी का थोड़ा ही उम्र का फासला है, 5-4 साल का ही। ये 6 साल छुट्टी मेरे थे। अच्छा, 5 साल छुट्टी। और आप 81 हो गई है ना आप? और 81, अच्छा जी। पिस्टल पहले मिठाई। हाय हाय। तो चंद्रो जी, तो आपने पहले बंदूक उठाई, तो प्रकाशी जी आपको भी शौक था शूटिंग करने का? ये छुप छुप के जाती मेरे से। अच्छा। मुझे 15 दिन बाद बड़ा लगा, तो फिर मैं भी जाने लगी। फिर आप पकड़ में कैसे आई हो? पकड़ में मुझे पता लगा कि ये रेंज में जाती है। और फिर 2-4 दिन बैठ के देखा, एक दिन मुझे शौक से लगा एक छर्रा मैं ही मार के देख लूं। वो सही टारगेट में लग गया। तो कोच कह लगा दादी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा जी। प्रैक्टिस कर रख लो। सही काम होता चलेगा। एक ही साल में इतना बड़ा मेडल लिया था मैंने। क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।